नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और दूसरे चरण में नंदीग्राम का भी फाइनल संग्राम है और यही महासंग्राम लोग कहते हैं तय करेगा कि कौन जीतेगा मिशन बंगाल। फाइनल संग्राम है, लिहाजा बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर अपनी ताकत झोंक चुके हैं। ममता बैनर्जी ने थोड़ी देर पहले वहां 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और अब यहां ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो वहीं नंदीग्राम में, जहां पर रोड शो ही 2.5 किलोमीटर लंबा है। अमित शाह जी के रथ पर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं और अब रथ से उतरकर धर्मेंद्र प्रधान जी भी नीचे चल रहे हैं ताकि सड़क खाली की जाए। ये एरियल शॉट है, इस तरह की भीड़ वहां जुटी हुई है। चिलचिलाती धूप के बावजूद रोड शो के दौरान विशाल जनसैलाब नजर आ रहा है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं अभी अभी नंदीग्राम से वापस लौटा हूं, 2 दिन पहले यहां स्टूडियो में लौटा हूं। ग्राउंड पर एक वहां लहर है, ग्राउंड पर जीतना आसान नहीं है, किसके मन में क्या है ये बताना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां निकल कर आई है, जिस तरह की बोली बोली जा रही है राजनेताओं द्वारा, इस बात को आप गौर तलब करें कि पिछले 3 दिन से ममता बैनर्जी नंदीग्राम से हटी नहीं है और अगले 2 दिन तक वहां से हटेंगी नहीं। ऐसे में क्या जो नंदीग्राम जीतेगा वो बंगाल जीतेगा ऐसा कहा जा सकता है? ग्राउंड पर चलते हैं अमित सिंह और आशिका के पास। रोड शो जहां जहां से गुजर रहा है, लगातार छतों से फूलों की बारिश हो रही है। अमित सिंह ग्राउंड जीरो नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे वहां गूंज रहे हैं। नंदीग्राम का ये महासंग्राम, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है? 2,85,000 वोट है जिसमें से कम 1.5 लाख वोट जीतना जरूरी है अगर बाजी मारनी है तो। बिल्कुल आनंद, और देखिए आनंद, 2 दिन आप खुद ही नंदीग्राम में थे, योगी आदित्यनाथ की रैली कवर कर रहे थे, उस वक्त जो नजारा आपने देखा था उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें देखिए, यहाँ के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया है, यही बैंड बाजा, फूलों की बारिश, यहाँ देखिए सड़कों पे फूलों की बारिश यहाँ पर की गई है, यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है और लगातार अमित शाह के पहुंचने से पहले सड़कों का नजारा देखिए, गुलाब के फूल हर यहाँ पर है, इस तरीके से फूलों से स्वागत किया जा रहा है नंदीग्राम में अमित शाह का। अमित शाह, अमित एक काम कीजिए, जरा आसपास के लोगों से पूछिए वो रहने वाले कहाँ के हैं, क्या ये सब नंदीग्राम के लोग हैं या बाहर से आए हैं? क्योंकि आरोप लगा था कि ममता बैनर्जी के रैली में जब उन्होंने नामांकन भरा तो 5 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, तो आज अमित शाह जी के रोड पे क्या ये नंदीग्राम उतरा है कि आसपास से बीजेपी के कार्यकर्ता आए? जरा करते हैं, चेक करते हैं, आप भी जरा पूछिए लोगों से कहां के रहने वाले हैं वो, क्या इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं? नंदीग्राम जितबे आप तुम्ही कौन से कैसे हो? अहमदाबाद मंत्र बोल रही, अहमदाबाद नंदीग्राम का ही हिस्सा है। अमित सिंह वहां ग्राउंड पर पूछ रहे हैं लोगों से, ऑडियो फिर से हम उनसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपका ऑडियो हमें नहीं आ रहा है, जरा आपका माइक चेक कीजिए और फिर से पूछिए। तो आसपास के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से आए हैं लोग, योगी आदित्यनाथ की उस रैली में जहां मैं मौजूद था, शुभेंदु अधिकारी के साथ कम से कम 15,000 लोग मौजूद थे और सबसे मैंने रैंडमली पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो सब नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के निकले और वहां पर आकर उन्होंने कहा कि इस बार हम हमारे दादा को जिताएंगे। दीदी खड़ी हुई है यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दादा हमारे लिए हमेशा खड़े हुए थे, इसलिए हम हमारे दादा को यहां जिताएंगे, हम हमारे दादा के समर्थन के लिए आए हैं। 2,85,000 वोट है नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से। धर्मेंद्र प्रधान जी अब तो रोड शो में बस से उतरकर सड़क पर चलकर आए हैं ताकि रास्ता खाली कर सके, वहीं पर उन्होंने अमित सिंह से बात की, आइए सुनते हैं। काफी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़, हर कोई देखना चाहता है अमित शाह को। देखिए लोगों की अपार उत्साह है, अपार भीड़ है,
ये प्रमाणित करती है। ममता दीदी एक तारीख को यहाँ पराजय स्वीकार करेगी। जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपने भी खूब मेहनत की है सर नंदीग्राम में, हमने देखा लगातार आप नंदीग्राम में आ रहे थे, आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे। देखो जनता मोदी जी के साथ है, नंदीग्राम मोदी जी और शुभेंदु को आशीर्वाद करेंगे। कल ममता बनर्जी ने स्टेज से कहा कि उन्होंने सब बीजेपी नेताओं का नाम लिख लिया है, चुनाव वो जीतेगी और जीतने के बाद देखती है कि क्या किया जा सकता है। उनकी डराना धमकाना, उनकी गुंडागर्दी को जवाब नंदीग्राम पहले से भी दिया है, इस बार भी देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, एक ट्वीट टीएमसी की तरफ से किया गया है कि नंदीग्राम महिला को ही चाहती है, बेटी का ही चाहे। देखो कल रात को नंदीग्राम में एक महिला का टीएमसी गुंडाओं के द्वारा रेप हुई है, अत्याचारी पार्टी को यहाँ की महिला जवाब देंगे। नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। जी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस विद अर्जुन पायल मेहता इन नंदीग्राम फॉर CNN न्यूज 18। पायल मेहता ने अभी बात की गृह मंत्री अमित शाह से, वहां बस पर वहीं पर आशिका सिंह भी मौजूद है। आशिका, अमित शाह ने कहा और ये बात बार बार दोहराई जा रही है, और बंगाल के इतिहास में ऐसा होता है कि जब जब परिवर्तन होता है तो जो मुख्यमंत्री की दावेदार होते हैं इनकम्बेंट, वो हार जाते हैं। तो जब भी मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो अपनी सीट से हार जाते हैं, बंगाल में परिवर्तन होता है। और यही कहा जा रहा है कि नंदीग्राम में अगर ममता दीदी हार गई तो फिर बंगाल में परिवर्तन होगा, बंगाल में बीजेपी का आना तय है, निश्चित है। तो क्या 1 अप्रैल को जिस तरह से नंदीग्राम वोट करेगा, क्या बाकी के 6 फेज में इसका फर्क पड़ेगा? पहले फेज में पहले ही अमित शाह डंके की चोट पर कह चुके हैं कि 30 में से कम 26 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। दूसरे फेज में भी ऐसी लहर है, नंदीग्राम में इस तरह का जनसैलाब देखना, आप खुद वहां ग्राउंड जीरो पर हैं आशिका, बताइए। आनंद देखिए, ये वही नंदीग्राम है जो पहले भी एक बार राज्य की राजनीतिक दिशा को बदल चुका है, और अब जो भीड़ देखने को आपको मिल रही है ये ऐतिहासिक भीड़ है। नंदीग्राम जहाँ कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या TMC का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर आज जो भीड़ है सड़क पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जहाँ तक जिस दिशा में नजर जाती है वहाँ भीड़ नजर आ रही है। मैंने खुद जो बात की है, महिलाएं बच्चे दूर दूर से आए हैं और कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं अमित शाह की देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है कोई यहाँ पर खुशी से, उल्लास से, हर्ष से नाचता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ढोल ढाक बज रहे हैं जो कि उत्सव का परिचायक है बंगाल में। तो कहीं साउथ नाच जो परंपरागत आदिवासी साउथ नाच है उसकी छवि देखने को मिल रही है। गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ना तो गृह मंत्री अमित शाह थक रहे हैं, वो भी लोगों का अभिवादन लगातार किए जा रहे हैं, दोनों हाथों से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और खुद जहां जिस तरफ से भी उनको कार्यकर्ता कहीं माला लिए नजर आ रहे हैं, उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और वहीं कार्यकर्ता या जो ये समर्थक हैं जो घंटों से यहाँ पर खड़े हैं वो भी आशिका आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित सिंह भी हमारे साथ लाइव है। अमित, आपने लोगों से पूछना शुरू किया कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं, आसपास के इलाके से आए हैं कि नंदीग्राम के ही हैं, क्या पता लगा आपको? अमित शाह जी कह रहे हैं नंदीग्राम को तय करना है, सरकार बदलनी है तो नंदीग्राम को तय करना है। देखिए जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई उनका साफ साफ ये कहना था कि नंदीग्राम से ही वो आए हैं, यही के लोकल लोग मौजूद हैं। और देखिए फूलों की इस तरह की सब बारिश हो रही है कि मुझे अपना आँख खोलना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आप जरा मेरे साथ बने रहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने पायल मेहता से बात की, आइए सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रहे हैं बंगाल में? निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 दिन झलकी हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले बहुत सारे लंबे लंबे फेजेस है, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहें? चलिए वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं।
आने वाले दिनों में क्या देखेंगे भाजपा और कारपेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में है? और कारपेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहे। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए, सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु गिरी कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अमित सिंह हमारे साथ हैं। अगर नंदीग्राम ममता बनर्जी को हरा दे तो बंगाल में परिवर्तन हो सकता है, अमित शाह ने न्यूज 18 से बात करते हुए यह कहा है। 285,000 वोट हैं नंदीग्राम के, 70,000 मुस्लिम वोट्स हैं और बाकी वोट्स जो हैं वो हिंदू वोट्स हैं लार्जली, वहां अन्य माइनॉरिटीज नहीं है तो मेजॉरिटी है और देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, यही ज्यादातर वहां के वोट्स हैं नंदीग्राम के ग्राउंड पर। और ग्राउंड जीरो पर पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी लगी हुई हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। आरोप प्रलय पाल ने भी लगाया, जो कि वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कि वो बीजेपी के, कि ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया जिसको तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने वहां पदयात्रा की 3 किलोमीटर लंबी, अब ये रोड शो देख रहे हैं आप 2.5 किलोमीटर लंबी अमित शाह की, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जन सैलाब किसके पक्ष में है, अमित सिंह ग्राउंड पर है, आइए उनसे जानते हैं। अमित बताइए, 285,000 वोटों में से कम 1,25,000 कम से कम 1,40,000 वोट तो जीतने होंगे। क्या बीजेपी को लगता है कि उनको ये वोट मिलेंगे, शुभेंदु अधिकारी को ये वोट मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही मेरी शुभेंदु से बातचीत हुई थी फोन पे, जो उनका कहना था कि वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तस्वीर देखिए, तस्वीरें हर चीज बयां कर रही है। ये 2.5 किलोमीटर का रोड शो एकदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान रथ से नीचे उतर कर रोड शो को आगे ले जाने के लिए अब वो पैदल सबसे आगे मार्च कर रहे हैं। तभी मैंने उनसे बातचीत किया और देखिए एक नजारा, फूलों की बारिश कैसे हो रही है अमित शाह पर। और जब मैं, आनंद आपने कहा मुझे कि लोगों से मैं बात करूं, जानूं कि वो कहां से आए हैं, क्या वो बाहर के हैं, तो मैंने जब बात किया तो मैक्सिमम लोग जो थे वो जो है नंदीग्राम के ही थे। और यहाँ पर इस वक्त, यहाँ पर जो इस वक्त नारेबाजी हो रही है कि एक तरीके टीएमसी साफ इस तरीके के नारेबाजी हो रही है। और देखिए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अपील कर रहे हैं आनंद कि आप लोग आगे चलिए, अमित शाह को आगे भी जाना है। लगातार शुभेंदु अधिकारी अपील कर रहे हैं जी, आगे चलिए, काफिले को आगे करिए। अमित शाह का एक और रोड शो है आज शाम को 5 बजे, कैंपेनिंग खत्म होगी, एक और रोड शो है दक्षिण 24 परगना में। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर, वहां प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन नमस्ते, आप कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी मेदिनीपुर के देवरा में अभी हम मौजूद हैं और यहां पर इंतजार हो रहा है जब अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर रोड शो शुरू होगा जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और एक तस्वीर हम आपको यहां दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग सड़कों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और फिर उनसे लोग मुखातिब होंगे। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इतनी शोर ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं कि शायद मेरी आवाज़ आप तक न पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर खड़ा होकर और इंतज़ार कर रहे हैं जब अमित शाह पहुँचेंगे और रोड शो शुरू होगा। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यही रोड जो है वो सीधे जहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ से 4 किलोमीटर बाद उतरना है वहाँ तक यह रोड शो होते हुए जाएगा। तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमित शाह पहुँचेंगे। और एक और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जाहिर सी बात है बंगाल में चुनाव है और ऐसे में लोग जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता आते हैं तो सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ये
अलग ही कुछ दृश्य जो है वो बयां कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर डेबरा बाजार पे खड़े हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो हैं वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डेबरा में मजबूत स्थिति में है। नंदीग्राम का महासंग्राम वहां भी गूंज रहा जय श्री राम। अब इस जय श्री राम से जो एलर्जी थी ममता बनर्जी को, उसी को अब हर जगह जोर जोर से बीजेपी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। और यहां अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यह भी कह दिया कि नंदीग्राम को फैसला करना है, 1 तारीख को वहां परिवर्तन होगा। अगर सरकार बदलनी है तो नंदीग्राम को जिताना होगा, शुभेंदु अधिकारी को और दीदी को हराना होगा। अब ये प्रचार का अंतिम दिन है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती भी खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं और शाम 4 बजे वो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करेंगे। तो महागुरु भी पहुंच गए नंदीग्राम के रण में। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अमित बताइए। देखिए अब आनंद, आप नंदीग्राम आए थे और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। शिव मंदिर पहुंच चुकी है, यहाँ पर अमित शाह का रथ शिव मंदिर पहुंच गया है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें और सबसे पहले यहाँ पर ये जो नाका दिखाऊंगा, ये जो नाका है, ये जो सड़क है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ममता बनर्जी का घर है, जो घर उन्होंने किराए पे लिया है, इसी रास्ते पे है। अमित शाह पहुंच गए उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर। शिव मंदिर जहां पर एंड पॉइंट था, और अचानक धर्मेंद्र प्रधान ने सभी गाड़ियों को आगे किया। शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से कहा कि अमित शाह को और भी दूसरी जगह जाना है और उनका कैंपेनिंग करना दूसरी जगह जरूरी है। और ये मंदिर के रास्ते में शिव मंदिर की तरफ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पहुंच चुका है इस वक्त ये रैली। और यहीं से ममता बनर्जी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के बाद, और उन्होंने कहा था कि वो भोले शंकर के मंदिर आती रहती है। और यही से और देखिए शिव मंदिर पहुंच गया है, और महज ये जो सीधा सड़क जाती है रिया पाड़ा की तरफ, 100 मीटर 200 मीटर की दायरे में ममता बनर्जी का घर है, वही घर जो उन्होंने किराए पे लिया है। और ये अमित शाह का जो रथ है ये मंदिर के पहुंच गया है, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि मंदिर पहुंच गया है। और इस वक्त जो माइक है वो शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथों में ले लिया है, और शिव मंदिर की तरफ अमित शाह का रथ घूमता हुआ, अब शिव मंदिर जाएंगे अमित शाह मंदिर कैंपस में, वो जाएंगे मंदिर में, हो सके तो जाके पूजा अर्चना भी करेंगे। और ममता बनर्जी ने यही बार पूजा अर्चना करने के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, अपना कैंपेन शुरू किया था। आनंद तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहते हैं। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जहां अमित शाह का जो रोड शो है नंदीग्राम में अभी घूमकर शिव मंदिर की तरफ जा रहा है। इस शिव मंदिर उस नाके से सिर्फ 100-125 मीटर दूर वो घर है जिसे ममता बनर्जी ने किराए पर लिया है, ये कहकर कि वो नंदीग्राम में रहेंगी। पिछले 3 दिन से वो वहां डेरा जमाए हुई है। यहां पर एक के बाद एक नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में बीजेपी के स्टार कैंपेनर महाबली उतरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो वहां पर है ही, कार्यरत है ही, जमीन पर काम कर रहे हैं। कुछ 2 दिन पहले वहां योगी आदित्यनाथ आए थे, अब अमित शाह आए हैं, शाम को महागुरु मिथुन चक्रवर्ती आएंगे। एक के बाद एक इस सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश है, लीड को बढ़ाने की कोशिश है, जिताने की कोशिश है। आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा न्यूज 18 से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रहे हैं बंगाल में? निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 दिन रुकी हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले बहुत सारे लंबे फेजेस है, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है, उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहें? चलिए वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। आने वाले दिनों में क्या देखेंगे भाजपा, और कार्पेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में है? और कार्पेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है, अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा।
पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है अगर नंदीग्राम में दीदी को हरा दें, तो ये नंदीग्राम निवासियों से अपील कर रहे हैं अमित शाह। थोड़ी देर में वहां दक्षिण मेदिनीपुर पहुंचेंगे, नंदीग्राम तो पूर्व मेदिनीपुर में हुआ, दक्षिण मेदिनीपुर में भी रोड शो करने वाले हैं, वहां भी तैयारी है। चंद्रमोहन ग्राउंड जीरो पर है, वहां पर कैसा है, लोगों का हुजूम लगता है वहां पर भी उमड़ आया है? स्वागत है। पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान पर उतार दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, तो बंगाल में अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद दक्षिण मेदिनीपुर में होंगे। वहीं जेपी नड्डा ने असम के नलबाड़ी में मोर्चा संभाला हुआ है। வந்தவுடன் அதை 35,000 உயர்த்தி வழங்குவோம். காங்கிரஸ் அரே மன்மோகன் சிங் ஜி அசம் கோயா கே ஆஜ் அசம் உங்களுக்கு வோட் தே காங்கிரஸ் பார்ட்டி கேஸ் கி ராயல்ட்டி மன்மோகன் சிங் ஜி தேனி தி நீ தே சகே एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए दिया तो असम की जनता को दिया। वोट किसको देखो, मनमोहन सिंह जी आपने? अच्छा बोलने में भी शर्म नहीं आती? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है इसलिए वोट दे दो। अरे दिया क्या आपने असम को, क्या मिला असम को? आज अभी मैंने ट्वीट देखा, बोले जुमलेबाजी, राहुल गांधी का ट्वीट था, जुमलेबाजी और प्रगति में अंतर होता। यही तो हम कह रहे हैं, जुमला तो आपकी दादी पापा मम्मी ने किया। बोलो गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? गरीबी हटी क्या, जुमला क्या हुआ? बोलो किसने कहा था कि शासन उनको दो जो शासन कर सके, शासन कर पाए क्या? जुमला किसने किया? जुमला करोड़े प्रगति तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसने असम की तस्वीर और तकदीर बदल दी। इस बात को हमको जानना चाहिए। चलो बोगीबील ब्रिज बनाया कि नहीं बनाया? बोलो 6 साल के अंदर 5 ब्रिज बनाए कि नहीं बनाए मोदी जी ने? बोलो नैरो गेज को ब्रॉड गेज किया कि नहीं किया? बोलो 35 बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री असम करके विकास में अपना योगदान किया कि नहीं किया? मेरे भी सोचते नहीं, चाय के बगान में चले गए और वहां फोटो खिंचाने लगे, चाय की पत्ती तोड़ने का देखा आपने? देखा था कि नहीं देखा था? देखा था चाय की पत्ती कब तोड़ रही थी? ये वही नंदीग्राम है जो एक बार पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल चुका है, और आज फिर जो यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ है, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में क्या कहेंगे ये भीड़ देखकर। मैं खुद जो लोगों से बात किया है, महिलाएं बच्चे सुबह 7-8 बजे से आए हैं। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। नंदीग्राम की जनता मानती है एक ही सीट पर परिवर्तन करने से बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ शुभेंदु जी को वो जिता देते हैं, ममता जी को हरा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। ममता ने भी पूरा जोर लगा दिया है, अंतिम दिन है आज, वो भी कई बंपर रैलियां कर रही हैं। अच्छी बात है, हर एक ने अपना अपना प्रचार करना चाहिए। पहला फेज हो चुका है गृह मंत्री जी, दूसरा फेज होने जा रहा है, क्या तस्वीर दिखते हैं इन दो फेजेस की बात करें तो कितनी सीटें आपको लगता है? देखिए, मैंने कहा कि पहले फेज में हम 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरा कंजर्वेटिव अनुमान है। दूसरे फेज का मतदान समाप्त होने के बाद मैं फिर से एक बार मीडिया को बताऊंगा, मगर आकलन यही है
हम 200 सीटों को पार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कभी ये कहती हैं कि कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली करें, कभी ये कहती हैं कि सरकार तो हमारी आएगी और सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद तो सबको देख लेंगे। चलिए, भाषा बंगाल की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी ये बंगाल की जनता को तय करना है, और मैं मानता हूँ धमकी की भाषा बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो तस्वीर आज देख रहे हैं भीड़, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी बंपर वोट से जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया। तो न्यूज 18 की पायल मेहता और न्यूज 18 की आशिका सिंह से गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देखिए बंगाल को डिसाइड करना है, अगर परिवर्तन करना है तो एक ही सीट में परिवर्तन पूरे बंगाल में हो जाएगा, वो नंदीग्राम का महासंग्राम है, गूंज रहा वहां सड़कों पर जय श्री राम है। आइए अमित शाह से, अमित सिंह से पूछते हैं कि अमित शाह का जो स्वागत है वहां पर जिस तरह से हो रहा है, जो हुजूम वहां जन सैलाब निकला है, उससे क्या बीजेपी का ढाढ़स बंधेगा, क्या शुभेंदु अधिकारी का मनोबल बढ़ेगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि दीदी की सारी कोशिशें वहां पस्त हो जाएंगी? पिछले 3.5 दिन से वहां पर है वो ममता बनर्जी जी। अमित, देखिए शुभेंदु अधिकारी का मनोबल आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अत्यंत खुश थे अमित शाह। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बाद में बात करेंगे, अभी अमित शाह को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कि बेहद खुश थे। और देखिए मैं एक नजारा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो सुबह से ही अमित शाह के इंतजार में थे और हमें लगातार वो इस तरीके से कल सुबह से ही आपको देख रहा था कि आप लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, कब से आप लोग बजा रहे थे, कितने बजे से? सवेरे 7 बजे से हम लोग बजा रहे हैं। धूप तो बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, 10 बजे के बाद तो हम लोग का धूप में बहुत ही अवस्था खराब हुआ है, बजाते बजाते हम भीड़ तो बहुत ज्यादा थी और आप लोग लगातार उनके रथ के आगे से आप लोग निकल रहे थे। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी हम लोग। इस बात की खुशी है कि उनको देखने का मौका मिला और हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और हमारे लड़के भी साथ हैं। क्यों जी, एक बात बताइए, जो रोड शो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, शाम को मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो पूरा दमखम लगा रही है बीजेपी नंदीग्राम को जीतने के लिए, क्या उन्होंने कहीं ना कहीं यह ढान लिया है कि जो नंदीग्राम जीत गया वो बंगाल जीत गया? अमित शाह ने भी कुछ ऐसा ही कहा है न्यूज 18 से। जाहिर तौर पे जिस तरीके से अमित शाह का बयान सुने और जिस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता है और जो टीएमसी के कार्यकर्ता नेता है वो ऑफ कैमरा जरूर ये बता रहे हैं कि नंदीग्राम की लड़ाई, नंदीग्राम का महासंग्राम ही बताएगा कि बंगाल का आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, 2 मई को कौन किसको बहुमत मिलती है, क्योंकि नंदीग्राम से ही डिसाइड हो जाएगा। नंदीग्राम की जो लड़ाई है यही से मोमेंटम एक तैयार होगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है 1 तारीख का चुनाव डिसाइड कर देगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जो जिसके हक में ज्यादा वोट आएगी शायद वही मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, वो भी हम आपको यहाँ बताते रहेंगे। देखिए न्यूज 18 पर हम आपको आगे रख रहे हैं, सब वहां पूरा दमखम लगा रहे हैं, चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का, दूसरे फेज दूसरे चरण के मतदान से पहले। आइए चलते हैं दक्षिण मेदिनीपुर, वहां अमित शाह थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हमने वहां तस्वीरें देखी, चंद्रमोहन को तो हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इतना वहां पर शोर हो रहा था। चंद्रमोहन, वहां भी लगता है एक मेला सा लगा हुआ है, ढोल नगाड़े ढाक नाच सब कुछ हो रहा है, तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं अमित शाह के स्वागत के लिए। बिल्कुल, देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर, और अमित शाह का इंतज़ार हो रहा है कि अब थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ से रोड शो शुरू होगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोग किस तरह से सड़कों पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि चंद मिनट में अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरीश द्विवेदी जी, जो पूरी तरीके से
यहाँ पर कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, ये बताइए कितने देर में पहुँचेंगे यहाँ पर अमित शाह? बस नंदीग्राम से चल चुके हैं, 5-7 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ डेवरा में लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड शो होगा, उसके बाद वो पासकुड़ा में जाएंगे, वहाँ पर रोड शो होगा, उसके बाद वहाँ से निकल करके एक सभा और करेंगे। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं सड़कों पर। देखिए जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति, जिस प्रकार का विश्वास पश्चिम बंगाल की जनता को है, गरीबों को है, किसानों, नौजवानों, मजदूरों को है, मैं ये कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन का मूड बना चुका है। आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं और आज के रोड शो के बाद बस इस जिले की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा विश्वास हम लोग। पिछली बार सब कुछ तृणमूल के खाते में गया था, इस बार कितना आएगा पूछिए उनको, मनोबल कितना बड़ा है। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनका मनोबल तो काफ़ी ऊंचा दिख रहा है और बस अब चंद मिनटों का इंतज़ार हो रहा है जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हम आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, जब लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और यहीं पे अब से थोड़ी देर पहले लोग यहाँ पर लगातार डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ये उत्साह पहली बार इस तरह का इस इलाके में देखने को मिल रहा है जब गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर रोड शो करेंगे तो आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी चारों तरफ सिर्फ बीजेपी के झंडे, बीजेपी के लोग, अमित शाह के पोस्टर नजर आएंगे। इससे ऐसे में समझा जा सकता है कि यहां के लोगों का उत्साह किस तरह से अमित शाह को लेकर उनके। जरा थोड़ा लोगों से बात कीजिए, पूछिए क्या वो स्थानीय लोग हैं, किस लिए वहाँ पहुंचे हैं, क्या अमित शाह से मिलना चाहते हैं, वहाँ के जो लोकल उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी हैं उनके लिए कितना सपोर्ट है, शुभेंदु अधिकारी का वहाँ पर भी वर्चस्व है पूर्व में, पश्चिम मेदिनीपुर में, भले ही वो इस सीट से ना लड़ रहे हों। बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह तो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अमित शाह से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन तस्वीरों को भी देखकर आप समझ सकते हैं बखूबी जहाँ तक अमित शाह रोड शो करेंगे वहाँ पर चारों तरफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो है वो नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। उसके बाद में कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहाँ आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहाँ ममता दीदी रात को निवास करती है उसे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मजमूदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती है।
एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है। नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। माँ मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सीधे हमला ममता बनर्जी पर किया और इस बात का जिक्र भी किया कि नंदीग्राम में अब परिवर्तन होने जा रहा है, न सिर्फ नंदीग्राम में पूरे बंगाल में परिवर्तन होना जा रहा है, बीजेपी को बहुमत से जिताना है, ये अपील भी जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने किया, क्योंकि आखिरी जिस तरीके से आज दिन है चुनाव प्रचार का, रोड शो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में किया और भारी तादाद में भीड़ वहां पर उमड़ी थी। उससे पहले ममता बनर्जी ने भी वहीं नंदीग्राम में मोर्चा संभाला, उन्होंने भी एक रोड शो किया और उसके बाद शाम 5 बजे आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। अमित शाह का जो लक्ष्य है 200+, क्या वही आंकड़ा वो छूते हैं, बीजेपी छूती है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि ममता बनर्जी से अब बीजेपी को मौका दिया जाए, परिवर्तन बंगाल में लाया जाए। ये वही नंदीग्राम है जो एक बार पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल चुका है और आज फिर जो यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ है, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में क्या कहेंगे ये भीड़ देखकर। मैं खुद जो लोगों से बात किया है, महिलाएं बच्चे सुबह 7-8 बजे से आए हैं। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। नंदीग्राम की जनता मानती है एक ही सीट पर परिवर्तन करने से बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ शुभेंदु जी को वो जिता देते हैं, ममता जी को हरा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंगाल में परिवर्तन हो जाए। ममता ने भी पूरा जोर लगा दिया है, अंतिम दिन है आज, वो भी कई बंपर रैलियां कर रही हैं। अच्छी बात है, हर एक ने अपना अपना प्रचार करना चाहिए। पहला फेज हो चुका है गृह मंत्री जी, दूसरा फेज होने जा रहा है, क्या तस्वीर देखते हैं इन दो फेजेस की बात करें तो कितनी सीटें आपको लगता है? देखिए, मैंने कहा कि पहले फेज में हम 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरा कंजर्वेटिव अनुमान है। दूसरे फेज का मतदान समाप्त होने के बाद मैं फिर से एक बार मीडिया को बताऊंगा, मगर आकलन यही है हम 200 सीटों को पार कर। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कभी ये कहती हैं कि कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली करें, कभी ये कहती हैं कि सरकार तो हमारी आएगी और सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद तो सबको देख लेंगे। चलिए, भाषा बंगाल की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी ये बंगाल की जनता को तय करना है, और मैं मानता हूँ धमकी की भाषा बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो तस्वीर आज देख रहे हैं भीड़, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, तो बंगाल में अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं, वहीं जेपी नड्डा ने असम के नलवाड़ी में मोर्चा संभाला है।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां थारापुरम में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहीं बंगाल में नंदीग्राम में रोड शो करते अमित शाह नजर आए आज, और कार्यक्रम भी अमित शाह के वहां पर होने हैं। वहीं नलबाड़ी में जेपी नड्डा मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित का जल्दी से रुख करते हुए, अमित आप जहां पर हैं जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए और क्या क्या कार्यक्रम अमित शाह के अब आगे रहने वाले हैं। देखिए अमित साहब यहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो सीधे यहाँ से निकलेंगे अपने अगला रैली के लिए, वो निकलेंगे वहाँ भी आज, चूंकि यहाँ पर नंदीग्राम में आज जो है आज ही प्रचार यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो बीजेपी ने अपना सारा जोर मिथुन चक्रवर्ती, पहले अमित शाह की रोड शो हुआ उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो होगा। ये वो मंदिर है, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये वो मंदिर है जिसमें अमित शाह ने आए और उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले ममता बनर्जी भी इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर चुकी हैं, और ममता बनर्जी इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और उसके बाद कैंपेन नंदीग्राम में शुरू किया था। तो ममता बनर्जी ने शुरुआत में आशीर्वाद दिया था भगवान भोले शंकर का। शुभेंदु अधिकारी आज आखिरी प्रचार के दिन वो अमित शाह को लेकर आए और उन्होंने भी यहाँ पर आशीर्वाद लिया। शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। इन सभी नेता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और जिस तरीके से अमित शाह ने आशिका से बात की थी और कहा था कि ये भीड़ बताता है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर जीत रहा है, तो इस तरीके का कॉन्फिडेंट शुभेंदु अधिकारी में भी दिखा। वो हालांकि वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे, वो पहले से ही कह रहे थे कि 500,000 वोट यानी 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन आज जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज था, जो भीड़ थी हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर बीजेपी की रैली में शामिल होने के लिए आए थे, रोड शो में शामिल होने के लिए आए थे, उसे देखकर, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का सफर लंबा वक्त लग गया अमित शाह को कवर करने में शिव मंदिर पहुंचने में, और ये जो शिव मंदिर है मात्र यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी है ममता बनर्जी का घर, वो घर जो ममता बनर्जी ने घर किराए पे लिया हुआ है, और उन्होंने कहा था नंदीग्राम आने के बाद कि यहाँ पर उन्होंने घर किराए पे लिया है, 1 साल वो नंदीग्राम में ही रहेंगी और नंदीग्राम विकास मॉडल प्रेजेंट करेंगी। लेकिन जिस तरीके का आज जो भीड़ दिखा, जो उन भीड़ों से हमारी जो बातचीत हुई है उन लोगों का साफ साफ, ठीक है अमित मैं आपको रोक रही हूँ, सीधे तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। அருளாசி அளவிடற்கரியது, உலகம் முழுவதும் மக்கள் அந்த கோயிலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பகுதி மிகச்சிறந்த மனிதர்களான திருப்பூர் குமரன், தீரன் சின்னமலை, தளபதி கொள்ளன், காளிங்கராயர் போன்ற மிகச்சிறந்த மனிதர்களை கொடுத்த பூமி. தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரத்தில் இந்தியா பெருமை கொள்கிறது. என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சியான தருணமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உரையாற்றுகின்ற போது ஒரு சில தமிழ் வார்த்தைகளை கூறியதை நான் நினைவு கூறுகிறேன். Friends, in a few days from now, Tamil Nadu will vote to elect a new assembly. The NDA family seeks your blessing to serve the people of this state. We seek your vote based on a solid agenda of all-round development. Inspired by the ideals of MGR and Amma Jayalalitha ji. जहां एक तरफ तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो वहीं बंगाल में अमित शाह मौजूद हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पश्चिम मेदिनीपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या खास तैयारी देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम पश्चिमी मेदिनीपुर का डेबरा इलाका है जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर रोड शो करेंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ पर दोनों तरफ आपको भीड़ दिखाई देंगी। सड़क के किनारे दोनों तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं जब अमित शाह पहुँचेंगे यहाँ पर और फिर उनसे मुखातिब होंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लंबी कतार में सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर
जो गृह मंत्री हैं अमित शाह पहुंचेंगे, तो वही एक और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन यहां पर सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं और जश्न में डूबे हुए हैं। लोग डांस कर रहे हैं, अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुखातिब होने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पहुँचे हैं कार्यकर्ता बीजेपी के, वो लगातार यहाँ पर डांस कर रहे हैं। एक तरफ पुरुष है तो दूसरी तरफ जो ये महिलाएं और लड़कियां हैं वो यहाँ पर खड़ा होकर डांस कर रही हैं और अमित शाह के आने का इंतजार कर रही हैं। चारों तरफ नजरें जहाँ तक आपकी जाएंगी वहाँ पर चारों तरफ आपको महिलाएं और लड़कियां, लड़के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहां पर डांस करते हुए नजर आएंगे। तो इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि अमित शाह के आने का किस तरह से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और फिर उनसे मुखातिब होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहां पर जैसे राम के नारे भी लग रहे हैं, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस डेबरा इलाके में जब लोग अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बस चंद मिनट बाद अमित शाह पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। ऐसे में उत्साह जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काफ़ी देखने को मिल रहा है। डेबरा में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, दोनों तरफ टीएमसी और बीजेपी, दोनों तरफ पूर्व पुलिस के अधिकारी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब किसका हाथ मजबूत होता है ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी, जो महिलाएं पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं, बच्चे पहुंचे हैं, लड़कियां पहुंची हैं, लड़के पहुंचे हैं, वो आपको हर तरफ जो है वो नृत्य करते नज़र आ जाएंगे और अमित शाह का इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सामने बड़ा साउंड बॉक्स है जो ट्रॉली पे बांधा हुआ है और ये ट्रॉली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बस चंद मिनट बाद यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे। तो जो भी लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पर वो हाथों में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं। ये बड़ा होर्डिंग है अमित शाह का जो एक युवक लेकर और लगातार यहाँ पर नृत्य कर रहा है। और वहीं लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और चंद मिनट बाद यह माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। रथ तैयार है बिल्कुल। बीजेपी के कार्यकर्ता आपकी जहां तक नजरें जाएंगी, जहां तक यह रोड शो होना है वहां तक बिल्कुल देखिए पश्चिमी, आप जहां पर मौजूद है पश्चिमी मेदिनीपुर, वहां पर अब से थोड़ी देर में अमित शाह को पहुंचना है। लेकिन इससे पहले वो नंदीग्राम पहुंचे, बाकायदा वहां रोड शो किया और लोगों को भी संबोधित, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं से मौजूद हैं। अमित, क्या निकल चुके हैं इस वक्त अमित शाह वहां से? जी बिल्कुल, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो अपने हेलीपैड की तरफ यहाँ से मूव कर गए हैं। और बताएं कि आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और लिहाजा 4:10 पर यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती पहुँचने वाले हैं। वो भी शुभेंदु अधिकारी के साथ 1 घंटे का एक रोड शो करने वाले हैं। यानी बीजेपी कोई कोर कसर अपने चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी वजह से जो पहले अमित शाह ने 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया, उसके बाद आकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हेलीपैड की तरफ अपने निकल गए कि वहां से उड़ान भरेंगे और अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर वहां पहुंच जाएंगे अपने रैली के लिए। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती का फ्लाइट जो है, उनका जो चॉपर है, 3:45 के आसपास वो नंदीग्राम में लैंड करेगा और नंदीग्राम में 1 घंटे का उनका रोड शो है तय कार्यक्रम। अगर वो सही समय में पहुंच जाते हैं यहां पर और 4:10 उनका यहां पर रोड शो शुरू हो जाता है मिथुन चक्रवर्ती का, और तो मिथुन चक्रवर्ती और शुभेंदु अधिकारी दोनों जो है 1 घंटे का ये रोड शो करेंगे। यानी बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता बनर्जी डेरा गाड़े हुए हैं और जिस तरीके से इस वक्त सुबह सुबह आज उन्होंने एक पदयात्रा की, पदयात्रा करने के बाद लोगों से उन्होंने मुलाकात की, यानी दोनों पार्टी, चाहे वो ममता बनर्जी हों या शुभेंदु अधिकारी, कोई कोर कसर अपने चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ना चाहते और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। हालांकि ममता बनर्जी यहां तक मन से कह दिया कि वो जीतेंगी और जो भी बीजेपी के नेता हैं उनका नाम वो
अपने नोटबुक में लिख चुकी हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो देखेंगी। और उन्होंने यहाँ तक तंज कसा कि बीजेपी के नेता कहेंगे कि कुछ दिन और सेंट्रल फोर्सेज जो है वो बंगाल में रहे ताकि वो बच जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर बातें हो रही है बीजेपी। जैसे हमें जानकारी दे रहे हैं वहां से अमित शाह निकल चुके हैं, कितनी देर में वहां पहुंचने की संभावना है और जरा तस्वीरें दिखाइए और लोग अगर आसपास हो तो उनसे बात भी कीजिएगा। चंद्रमोहन आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, काफी शोर है वहाँ पर। देखिए जिस तरीके से अमित बता रहे हैं कि अमित शाह वहाँ से निकल चुके हैं और कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे जरा ये बताइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा और लोगों से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल देखिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों के किनारे दोनों तरफ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और फिर उनसे ये लोग मुखातिब होंगे। सुबह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इस देवरा चौक पर जो पश्चिमी मिदनापुर में पड़ता है और लोग अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर और रोड शो होगा। तस्वीर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। दोनों तरफ सड़क के किनारे लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जहां पर क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या लड़कियां और नौजवान जी। वो यहां पर खड़ा होकर और अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब से थोड़ी देर में अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tabil. 20 तो ये गिना चुके हैं। Tell me one thing, what is your IQ? 180. Tell me, I'm given to understand that you've actually written a book. Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. Stephen जो है 450 beats per minute बजाते हैं। 2020 में